नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दो वर्ष कोरोना काल के बाद एक बार फिर शहर भर के स्कूलों में एनुअल फंक्शन प्रारंभ हो चुके हैं। इसी श्रृंखला में द्वारकापुरी स्थित श्री साईं बाबा विद्यालय का वार्षिकोत्सव मंगलवार को रविन्द्र नाट्य गृह में सम्पन्न हुआ। श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कमल ईरानी ने बताया कि बीते 28 सालों से विद्यालय परिवार सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। बीते 2 साल में कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, लेकिन इस वर्ष पूरी उत्साह और उमंग के साथ बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल द्वारकापुरी का 28वां वार्षिकोत्सव हम लोग यहाँ पे रविन्द्र नाट्य ग्राम में मनाने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने बहुत कड़ी मेहनत पिछले 15 दिन से लगातार कर रहे हैं और अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो देखने में भी आ रहा है कि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं अच्छी सफल होगी और रंग ला रही है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन लोगों का योगदान जो है स्कूल को हमेशा आगे चलता रहेगा और बच्चों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आगे आते रहेंगे। स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए सर, किस तरह से शुरुआत हुई और क्या सुविधाएं स्कूल में मिल रही हैं? हमारे स्कूल का स्थापना वर्ष जो है 1993 में हम लोगों ने श्री साईं बाबा पब्लिक स्टार्ट किया था और उसके बाद में लगभग 2007-08 में हमारे प्रिंसिपल मैडम जगताप मैडम ने आके उनकी कमान संभाली है स्कूल की। उसके बाद दिन ब दिन रात चौगुनी स्कूल डेली तरक्की कर रहा है अच्छे से और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं इवन इंटरनेशनल लेवल तक भी खेलने जा रहे हैं। बीच में बच्चे सिंगापुर गए थे, थाईलैंड गए थे, आपका मलेशिया गए थे अभी बच्चे कराटे खेलने के लिए हमारे स्टूडेंट। इसके अलावा पोलो जो रहता है, पोलो अपना गेम रहता है, घुड़सवारी से बच्चे पोलो खेलते हैं, सॉरी साइकिलिंग से पोलो खेलते हैं, साइकिल पोलो में भी हमारे बच्चे काफ़ी जगह पर भाग गए हैं। इसके अलावा तलवारबाजी में हम लोगों के स्टूडेंट्स काफ़ी अचीवमेंट ले रहे हैं दिन ब दिन और ये सभी हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है जगताप मैडम, उनका पूरा योगदान है स्कूल को, उनका पूरा आशीर्वाद है। साईं बाबा पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक उत्सव है और ये 28वां वार्षिक उत्सव है। वैसे स्कूल को 30 साल हो रहे हैं, लेकिन 2 साल कोरोना में नहीं हो पाए थे। कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में? करीब इस साल 2000 बच्चे हैं और बहुत गौरव की बात है कि इस साल के हाई सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे बच्चों ने एमपी लेवल पे, जहां 10 बच्चे टॉप पे आते हैं, वहां हमारे स्कूल के 3 बच्चे थे, यानी 10,29,600 बच्चे जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, उन 10 लाख में से हमारे 3 बच्चे जो हैं टॉप में आए हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे विद्यालय के लिए। और वैसा ही हमारा जूडो कराटे में भी बच्चे भी नेशनल ट्रॉफी जीत के आए हैं हरियाणा पंजाब से, और थाईलैंड में भी गए थे हमारे बच्चे। सभी एक्टिविटीज़ में हमारे स्कूल के बच्चे आगे हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर श्री कमल हिरानी जी का कहना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना ही चाहिए, केवल एकेडमी में ही नहीं। तो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स गेम्स, डिबेट, ड्राइंग, स्काउट गाइड, ट्रैफिक में भी बहुत सारी ड्यूटीज़ देते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे सफलता हासिल की है और इनाम जीते हैं। आज के साल की थीम है, फेस्टिवल की थीम है। पूरे साल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं हम स्कूल में भी मनाते हैं और आज यहाँ पे भी हम लोगों ने ड्रामा, डांस, नृत्य, नाटिका के द्वारा प्रस्तुति की है। सभी जितने भी फेस्टिवल होते हैं सभी मुख्य अतिथि के रूप में आज मेयर साहब को बुलाया था, लेकिन बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण मेयर साहब नहीं आ पाए। तुलसी जी, सिलावट जी को भी बुलाया था, लेकिन व्यस्तता होने के कारण वो आ नहीं पाए हैं। मैं डॉक्टर यामिनी जगताप प्रिंसिपल हूँ श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल में। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।